मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मजे में होंगे। तो मैं हूँ मनीषा और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है दिवाली, आप सभी को मेरी तरफ से और निखिल की तरफ से हैप्पी दिवाली। और दिवाली के दिन तो आप लोग जानती हैं कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ खाने बनते हैं, पूजा का भी तैयारी करना पड़ता है, लाइटिंग वगैरह। तो लाइटिंग हम लोग तो पहले से लगा चुके हैं और खाने का तैयारी भी चल रहा है। अब हम लोग चलते हैं, गाड़ी का पूजा करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। तो ये है माला, घर पर ही फूल ला दिए थे निखिल और हम लोग मिलकर बना दिए हैं माला। अब ये वाला है गाड़ी के लिए, इसको ले चलते हैं नीचे। ये हमारा बाइक, ये कार, अब इन दोनों का होगा पूजा। ओम नमः शिवाय, श्री गणेश नमः। निखिल लगा रहे हैं माला, मैं टीका कर दी, अभी माले की बारी। तो बाइक पे मैंने लगा दिया है, अभी मनीषा लगा रही है कार पे। तो गाड़ी में भी डन ना, बाइक में भी डन, सब हो गया। गाड़ी का पूजा हुआ डन, अब ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा क्या करना देखते, क्योंकि मुझे लगी है जोरों की भूख। तो खाकर मिलते हैं। तो यहाँ हो गया घर का डेकोरेशन भी और बाहर का मैं रंगोली बना ली हूँ, छोटा सा बनाई हूँ, और एक जो बड़ा रहेगा वो घर के अंदर में बनाऊँगी। तो मैं बाहर का डेकोरेशन करती हूँ। तो ये है बाहर का डेकोरेशन और ये है छोटा सा रंगोली। ज़्यादा इस बार बाहर में बड़ा नहीं बनाई क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है और बहुत सारे काम भी रहते हैं घर के अंदर। तो बाहर का मैं दिखा दी, अंदर का पहले से फूल लग गया है डेकोरेशन में ऐसे, और ये है। और बाहर बच्चे से पटाखे जला रहे हैं, इतना शोर हो रहा है। ये था दिवाली का डेकोरेशन, डेकोरेशन का काम हो गया, बस एक रंगोली और बनाना है जो कि अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वहीं बनाऊंगी। और अभी लंच का टाइम हो रहा है, वो लेट ही है एक्चुअली लंच के टाइम से। तो अभी मैं लंच करती हूँ और लंच में स्पेशल बना है छोले एंड पुलाव। तो छोला के साथ पुलाव बना है, बहुत ही स्पेशल पुलाव बना है, क्योंकि ये पुलाव बना है निखिल, इसलिए बहुत ही स्पेशल है। तो ये है कश्मीरी पुलाव, यम, जबरदस्त बना है। तो देखकर मुंह में पानी आ गया, भूख भी लग रही है, तो पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो बाहर की रंगोली और तैयारी, फूल सब लगने के बाद घर के अंदर भी रंगोली बन चुका है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बट आप जैसे कि जानते हैं, ये बैंगलोर में आज तक का रिकॉर्ड है कि दिवाली और बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पता नहीं आप लोग को आवाज़ तो ज़रूर आ ही रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी पूजा की तैयारी भी चल रही है। उससे पहले मैं आपको रंगोली दिखा देता हूँ और यहाँ पूजा की तैयारी चालू हो चुकी है, तो सारे काम करके मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरा लुक, कभी फुल नहीं दिखेगा, भी निकल से दिखवाऊंगी। और निकल का तो लुक देख ही चुके हैं आप लोग, रेडी हो गए हैं वो, पहले रेडी होके सारे पूजा का जो भी था वो सब सेट कर दिए हैं। और मेरा रंगोली वगैरह भी आप देख चुके हैं, निकल दिखा चुके हैं। अब बारी है पूजा की, तो पूजा करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी पूजन की तैयारी हो चुकी है, सब कुछ निकल सेट कर दिए हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पर होंगे गणेश जी और लक्ष्मी माँ।
पूजा हो गया हमारा सब कुछ, अब निखिल उठा रहे हैं दिया सब जगह रखने के लिए। हैप्पी दिवाली। तो अब दिया रखते हैं हर जगह। चले ये बाहर का डेकोरेशन हो गया और हम लोग दिया भी रख लिए हैं। ये हो गया, अब अंदर चलते हैं। हेलो मम्मी, इधर सारे दिया रख दिए और ये है मेरा रंगोली और ये है लाइट, पूरा जगमगा रहा है लाइट से। दिया भी रख दिया हम लोग। मेरी आवाज नहीं आएगी क्योंकि पटाखों की आवाज ज्यादा आ रही है। अभी हम लोग भी जाएंगे नीचे और जलाएंगे। निकल रहा है पटाखों का खजाना, इतने सारे, नीचे भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसके अंदर भी है। कितने सारे निकले? बहुत सारे है, ये कमी है, ये कम नहीं है। आप लोग और ज्यादा लाते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कर ली हूँ चेंज यहाँ पर क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं पटाखे जलाने, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था, मेरा गाउन थोड़ा ज्यादा लंबा है नीचे से, तो इसलिए मैं चेंज करके चलते हैं नीचे हम लोग। ये क्या हुई है रोड का हालत, ये निखिल जला रहे हैं बॉम्ब। भागो। अब जूली फाइनली हिम्मत करके जा रही है जलाने। पटाखे चलाने के बाद हम लोग आ चुके हैं छत पर, अब है लैंप की बारी। देखते हैं, ट्राई करते हैं ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, ट्राई करते हैं। जल नहीं रहा ना? नहीं, नहीं। पकड़ी ना? पकड़ी हूँ, पकड़ी हूँ। हो गया अपना लैंप। शॉर्ट्स बना रहा हूँ। बढ़िया, वेल डन।